हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैमसंग का ये 10 एक फ़ोन आया है, और इसका प्रॉब्लम था जो वो चार्जिंग का। दोस्तों चार्ज नहीं हो रहा था, और कभी कभार चार्ज हो रहा था तो चार्ज परसेंटेज नहीं बढ़ रहा था, यानी फेक चार्जिंग हो रहा था। तो मैंने चार्जर पिन को नहीं चेंज किया। वो एक्चुअली क्या था, चार्जर पिन ओके था। तो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे ये बोर्ड को देख, मैं आपको सबसे पहले चार्जिंग लगा के दिखा देता हूँ कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं चार्ज पे लगा दिया, लेकिन अभी कोई चार्ज नहीं हो रहा है। दोबारा लगाता हूँ, देखते हैं फिर आता है या नहीं आता है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों ये बोर्ड जो है आपको यहाँ पे निकाल देना है। निकालने के बाद चार्जर पिन को यहाँ पे आपको लगा देना है। आप ये चेक करना है आपको कि चार्जर पिन जो है आपका वो सही है या नहीं। किस तरह से आपको चेक करना है, आपको चार्जर पिन को यहाँ पे लगा देना है। आपके पास मल्टीमीटर होगा, आपको यहाँ पे 20 पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्राउंड पे रखना है, और एक पॉजिटिव जो सप्लाई आ रहा है वो उसको चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 5.12 वोल्टेज मेरा आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ से फिर ये, अब जो आप देख रहे हैं रजिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर, यहाँ से पॉजिटिव का सप्लाई इस रजिस्टर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, यानी आपका चार्जर पिन जो है, ये बोर्ड जो है बिल्कुल आपका सही है, वर्किंग वर्किंग कंडीशन में है। आपका चार्जर पिन भी ओके है, चार्जर बोर्ड भी ओके है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, वापस बोर्ड को यहाँ पे लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, चार्जर पिन को वापस से फिर से लगा देना है आपको। जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आपका वोल्टेज आना चाहिए 4.3 पॉइंट से ऊपर, 4 पॉइंट के आसपास, या 3.37 से ऊपर वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। यानी आपका चार्ज होगा भी इतने पे तो आपका चार्जिंग फेक होगा, और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आ नहीं रहा है तो चार्ज होगा भी नहीं सही से। देखते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए चार्ज नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप, मैंने आपको पहले बताया रजिस्टर है, रजिस्टर से ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप के मदद से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने जम्पर कर रखा है आपको, मैं दिखाने के लिए, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी जम्पर लगा के रखा हूँ। तो ये पॉजिटिव सप्लाई जो आ रहा है तो इस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस यहाँ से फिर इस पॉइंट से आईसी में जाता है। तो ओके दोस्तों, तो परफेक्ट जो वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए मेरा, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे यहाँ से आपको, और जो आपको मैंने बताया रजिस्टर पे जम्पर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर है, अब रजिस्टर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर से आप इस पॉइंट पे आपको जंपर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जंपर किया रजिस्टर से, और जो मैंने आपको बताया ये स्ट्रिप की मदद से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जंपर कर रखा है, तो इस तरह से आपको जंपर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, फिर वापस
आपको बोर्ड को लगा देना है। मैंने लगा दिया, यहाँ पे चार्जर भी लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका वोल्टेज, कितना आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.85 के आसपास आ रहा है। ये अभी जो इतना वोल्टेज जो आ रहा है ये 100% आपका परफेक्ट चार्ज होगा।